अरविंद अकेला कल्लू को नहीं रहा गया अकेला, इसलिए उन्होंने 2020 के शुरुआती महीने में ही कर ली यामिनी सिंह से शादी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह बंध गए हैं शादी के पवित्र बंधन से। लेकिन कब, कैसे और कहाँ हुई इन दोनों की शादी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल का आइकन दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हर भोजपुरी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जैसे ही अरविंद अकेला कल्लू ने अपनी शादी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, वैसे ही दर्शकों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। जी हाँ, बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह की शादी वाली फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आ रहा है। जहाँ दुल्हन की गेटअप में नजर आ रही है अदाकारा यामिनी सिंह, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद अकेला कल्लू भी शादी के जोड़े में खूब भा रहे हैं। शायद अब तक आप लोग को भी यही लग रहा होगा कि सच में अरविंद अकेला कल्लू ने यामिनी सिंह से शादी कर लिया है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद अकेला कल्लू ने रियल में यामिनी सिंह से शादी नहीं की है। ये तस्वीरें उनकी आने वाली फिल्म प्यार तो होना ही था के शूटिंग के दौरान खींची गई है, जिसमें वे दोनों नव विवाहित जोड़े की शूटिंग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह की जोड़ी काफी लंबे समय से बरकरार है और इन दोनों की हिट जोड़ी उनकी अपकमिंग फिल्म प्यार तो होना ही था देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस फिल्म का दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रमोद शास्त्री की हैट्रिक फिल्म साबित होने वाली है प्यार तो होना ही था। ACH एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बैनर के तले बनने वाली फिल्म प्यार तो होना ही था में अरविंद अकेला कल्लू की सुपर हिट जोड़ी खूब धमाल मचाने वाली है। फिल्म में एक्ट्रेस यामिनी सिंह और कनक यादव का मोहक अदायगी का जलवा भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।